एक बार प्यारी लाडली श्री राधा रानी ने प्यारे श्याम सुंदर से कहा, आज हमारे मन में आपकी मुरली बजाने की इच्छा हो रही है। श्याम सुंदर बोले, प्यारी जू नहीं, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। श्री राधा रानी ने पूछा, क्यों, क्या हमें मुरली बजाने नहीं आती? तब श्याम सुंदर ने कहा, नहीं नहीं, आप तो 64 गुणों से परिपूर्ण है, किंतु यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। तब राधा रानी श्याम सुंदर से मुरली लेकर मुरली बजाने लगी, उसमें हवा भरने लगी, किंतु मुरली से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। तो राधा रानी ने कहा, जरूर तुमने इसमें कोई जादूगरी कर रखी है, तभी तो यह मुरली नहीं बज रही। इतने में ललिता सखी आ गई। ललिता सखी ने कहा, हे स्वामिनी, यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। श्री राधा रानी बोली, क्यों, यह मुरली मुझसे क्यों नहीं बजेगी? ललिते, क्या तुम भी श्याम सुंदर की ओर हो गई? तब ललिता सखी ने श्री राधा रानी से पूछा, हे स्वामिनी जी, आप इस मुरली पर किसके नाम की हवा भर रहे हो? श्री राधा रानी ने कहा, कृष्ण नाम की। ललिता सखी ने कहा, हे स्वामिनी जी, यह मुरली कृष्ण नाम से नहीं, श्री राधा रानी के नाम से बजती है। आपकी नाम की महिमा अनन्य है। श्याम सुंदर इस पर हमेशा आपके नाम का ही गुणगान करते रहते हैं। आप राधे नाम बजाइए, तब यह मुरली बजेगी। इसके बाद श्री राधा रानी ने मुरली में राधा नाम की हवा भरी, तब वह मुरली बजने लग गई। उसी समय श्री राधा रानी श्याम सुंदर के अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें कंठ से लगा लिया। राधा कृष्ण की ऐसी ही मधुर लीलाओं को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।